हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। 2020 नया साल शुरू हो चुका है, साथ ही साथ हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रूट सीकर। नए नए कंटेंट के साथ आप सबके सामने हाजिर होंगे। मैं हूं कौस्तव। मैं हूं मधुमिता। तो और वक्त ना लेते हुए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये बात तो सबको पता है कि वाटर इज द मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रिंक ग्लोबली, बट दूसरे नंबर पे कौन है? द आंसर इज टी। जी हाँ, चाय। कैन यू इमेजिन 2018 में पूरे दुनिया में लगभग 273 बिलियन लीटर चाय पी जा चुकी है। 5000 साल पहले चाइना में चाय की शुरुआत हुई और उसके काफी साल बाद अंग्रेजों के हाथों यहाँ भारत में इसका प्रचलन हुआ और ये इंडिया में इतना फेमस हुआ, हम लोग इसके लाइफ लॉन्ग फैन बन गए। ऐसा क्या है चाय में जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग इतना पसंद करते हैं चाय को? कोई टेस्ट की वजह से पीता है तो कोई हेल्थ के लिए पीता है, लेकिन हमें शायद ही पता है इसकी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। Among all the substances found in tea, there are two significant ones, L-theanine and flavonoids. L-theanine is an amino acid that stimulates neurotransmitters in your brain. It basically reduces anxiety. Flavonoids are antioxidants that keep your heart and blood vessels flexible for smooth blood flow. Agar aap stressed hain ya tired feel kar rahe hain, to chai ki ek sip leke dekhiye. Ye magically kaise aapke state ko improve karti hai. सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको दूर करने में चाय मदद करती है, जैसे कि स्टमक क्रम, ब्लोटिंग, नौजिया, इनडाइजेशन और भी बहुत सारे। लेकिन चाय के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे मज़ेदार चीज़ है इसकी वैरायटी। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको चाय की एक नई वैरायटी ज़रूर मिल जाएगी। दुनिया भर के लोगों ने अपने अपने तरीके से इसको अपनाया है और एक नया रूप दिया। मसाला टी, लेमन टी, हिबिस्कस टी, कश्मीर की पिंक टी, पिपरमेंट चाय, तंदूरी चाय, बबल चाय, ईरानी चाय, जिंजर टी, डैंडेलाइन टी और बहुत सारे। समझ लो कि आपके फोन के डेटा खत्म हो जाए लेकिन ये लिस्ट खत्म ना हो पाए। लेकिन हर अच्छी चीजों का एक दूसरा भी साइड होता है। द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन इज इट्स साइड इफेक्ट्स। ओवर कंजम्पशन ऑफ टी कैन एक्चुअली कॉज सर्टेन प्रॉब्लम्स। Dizziness, headaches, pregnancy complications, nausea, restlessness, anxiety, reduced iron absorption. Did you notice some of this we already discussed before? Yes. जो चाय anxiety, nausea जैसे बीमारियों को कम करती है, वही चाय आप अगर ज्यादा पियेंगे तो वही चीजें वापस आने शुरू हो जाएंगी। This is not to confuse you or discourage you from having tea. Like any other thing, tea also should be consumed responsibly. कोई भी चीज सही मात्रा में लेना बहुत जरूरी है, तभी जाके उसके बेनिफिट्स काम करती है। तो बेफिक्र होके चाय पीते रहिए, लेकिन सही मात्रा। तो ये था हमारा पहला वीडियो, आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।